नमस्कार, खबरें जरा हटके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जहां से जिंदा लौटना मुश्किल है। क्या आपने एक ऐसे वीरान और भूता आइलैंड के बारे में सुना है जहां जाने वाले लोग जिंदा लौटकर नहीं आ सके? उत्तरी इटली के वेनेटियन लगूंस आइलैंड को मौत के आइलैंड के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस आइलैंड की कहानी काफी खौफनाक है। सैकड़ों साल पहले इस आइलैंड पर 1.5 लाख प्लेग के मरीजों को जिंदा जला दिया गया था। इस आइलैंड पर प्लेग के मरीजों को मरने के लिए लाकर छोड़ दिया जाता था। बाद में ब्लैक डेथ के समय भी लोगों को यहाँ मरने के लिए छोड़ा गया। इसी के चलते लगभग 1,60,000 बीमार लोगों को यहाँ जिंदा जला दिया गया था। साल 1922 में इस आइलैंड पर मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन कुछ सालों बाद इसे भी बंद करना पड़ा क्योंकि डॉक्टर्स, नर्स और पागलखाने के मरीजों को यहाँ भूत दिखते थे। बाद में प्रॉपर्टी प्राइवेट मालिकों को भी बेची गई, लेकिन वे भी यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाए। कई लोगों ने इस जगह का रहस्य जानने का प्रयास भी किया, लेकिन सच तलाशने गए ज्यादातर लोग यहाँ से जिंदा लौटकर नहीं आ सके। कहते हैं कि यहाँ आज भी बीमारी से मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं।